एक भी एडोप साथी हमारा जो है आज नहीं होता, सारे परमानेंट होते। क्यों? क्योंकि यही है कि अगर हर जगह रिजर्वेशन दे दिया गया तो ये जो है पूरी तरह से सब कुंडली मार करके बैठ जाएंगे। इन मनुवादियों को चिंता क्या है? अब तो हमारे लोग रिसर्च भी कराने लगे हैं। मैं नाम ले लूंगा, हमारे एक साथी है, लोग पीछे पड़ जाते हैं। 100 साल के बाद हमारे किसी एक व्यक्ति को नेशनल साइंस कांग्रेस में पहली बार फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। नाम ले लूंगा, क्योंकि नाम लेंगे तो यहाँ थोड़ा सा वो हो जाएगा, लोग उनके पीछे पहले ही पड़े हुए हैं। पहली बार दिया गया उनको, कभी नहीं है किसी तरह की एजुकेशन के मामले में, SC ST OBC में कमी नहीं है। आप जाकर के देख लीजिए, मैं अभी सरदार पटेल विश्वविद्यालय गया, वहां 14 सब्जेक्ट में हमारे छात्र जो है गोल्ड मेडलिस्ट आए। 7 छात्रों को जो है विदेश भेजा जाने लगा, तब ये कहने लगे अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो जो है SC ST OBC के हैं, अगले बार चले जाना, इस बार दूसरे बच्चों को भेज देते हैं। कहां कहां नहीं हमारे साथ जो है इस तरह का भेदभाव होता। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय जहां भेदभाव नहीं होता? अगली बार जब AC की मीटिंग होगी मैं सवाल उठाऊंगा। कल हमारे को जो है यहाँ पुलिस ने रोक करके रखा, यदि जो है डूटा का धरना होता, डूटा का प्रदर्शन होता, तो सबसे पहले लाइन लगा करके कहते कि चलिए वहां पर वाइस चांसलर के यहाँ। लेकिन ये यहाँ इस वाइस चांसलर के रोका गया, 2-2.5 घंटे तक जो है यहाँ पर हमारा धरना रोक दिया गया, नहीं जा सकते आप। क्यों? कल जो है SC ST कमीशन आया था यहाँ पर, ताकि ये लोग अपनी बात जो है कमीशन के सामने ना रख सके। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि नहीं, इनको आगे मत जाने दीजिए। जब भी जो है चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी आए या SC ST कमीशन आए, कोई भी कमीशन या UGC आए, सबसे पहले हमारे लोगों को भनक नहीं लगने देते ये। लेकिन किसी तरह से एक दिन पहले फोन आ गया कि सर आप AC मेंबर है? मैंने कहा हाँ। सर आपको पता है कि कमीशन आ रहा है? मैंने कहा हाँ मालूम है, तो आप आइए कल। और इन लोगों ने कल ये देखिए गेट नंबर 1 से लेकर 4 नंबर गेट तक सारे के सारे बंद कर दिए गए। हम लोग हमारे लिए कोई भी गेट जो है खोला नहीं, ताकि ये जो है ये लोग अपनी आवाज नहीं उठा सके। साथियों ये बड़े दुख होता है हम लोगों को, हम जब ये कहते हैं कि हम यहाँ कितने हो गए, हम 3000 से ज्यादा हो गए या हम 1200 परमानेंट हो गए, लेकिन कहाँ है 1200 परमानेंट? 1200 परमानेंट कहाँ है? यदि 1200 परमानेंट होते तो ये गेट जो है 50 आदमी तोड़ देते, 85 आदमी तोड़ देते। लेकिन अगर 1200 में से किसी कभी ने कहा है ना कि जने जने तो शेर जने, या दाता या नूर या जननी बांध के अलावा क्यों होगा बाबा नूर। अगर 50 लोग हमारे शेर होते यहाँ, ये गेट भी उठा करके ले जाते, जैसे राजा सूरजमल उठा करके ले गया था राजस्थान। लेकिन क्या करें, हमारी एकता निखंडित हो गई है। कैसे हो गई है? अलग अलग पार्टियों में हम बटे हुए हैं, कहीं किसी से बटा हुआ है, कोई किसी में चला गया, कोई किसी में। लेकिन हमने कोशिश की है मित्रों, हमने ये कोशिश की है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में रहे, जब समाज की बात आती है, जब रिजर्वेशन की बात आती है, तो सबको इस मंच पर एक हो जाना चाहिए। सभी एक इस मंच पर आए, अपनी अपनी बात अपने वहां आकाओं के सामने करें रिजर्वेशन की बात, लेकिन यहाँ जो बात होगी वो सब एक मंच पर रिजर्वेशन की बात होगी, उसके अलावा कोई नहीं। अगर हमारे कई साथी कह रहे थे कल और आज भी कह रहे हैं, ये लड़ाई जो है ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, एक नेगी जी चले गए कह करके कि जो है ये लड़ाई तब तक होनी चाहिए। हम उनको बता देना चाहते हैं, हमने पूरा क्लस्टर के लिए वो कर लिया है। अभी तो हमारे 10-10, 12-12 साथी बैठे हैं, और हमने तय किया है कि यहाँ से हम नहीं उठेंगे, 4-4, 5-5 कॉलेज मिलकर के यहाँ डेली भोग हड़ताल रखेंगे। जब तक जो है ये लगभग 5 तारीख का जो फरमान है, ये उच्च शिक्षा में दलित पिछड़ों को आने से रोकने वाला, ये जब तक वापस सरकार नहीं ले लेती है तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। सरकार में भी ऐसा नहीं है, सरकार को भी अब लेने के देने पड़ रहे हैं। क्यों? इंटरनेशनल मीडिया में खलबली मच चुकी है कि आपने क्या किया, क्या कर दिया ये, कि एक ऐसा लेटर जो है कि डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि ST तो कभी आएगा नहीं। और मित्रों ये पहली बार देश के अंदर पहली बार जो हमारा SC ST
का जो फोरम है एमपीज का फोरम है वो पहली बार संगठित हो गया, वो भी और सबसे ज्यादा संगठित हुआ है हमारा एसटी का। क्यों? किसी तरह से ओबीसी को तो मिल जाएगी चौथी पोस्ट, एससी को मिल जाएगी सातवीं पोस्ट, लेकिन जो है एसटी वाला तो 350 साल तक इंतजार करेगा। और इसलिए जो है पहली बार हमारे तमाम भाई, मैं सलाम करता हूं अपने उन तमाम भाइयों को, ये जो है एससी एसटी ओबीसी के इस मंच पर जो है संगठित हुए हैं। आज तो बहुत सारी बहनें भी बैठी हुई, हमारी बेटियां भी बैठी हुई है बहुत सारी, हमारी तो बेटी है प्रेमचंद, ये सारे जो है जितनी भी आती रहती है ये सारी हमारी बेटियां हैं। और ये पहली बार, और अब तो प्रेमचंद अभी तो ये 4-5 बैठी है, जिस दिन ये ठान लिया, एक एक कॉलेज ने ये ठान लिया, महिलाओं ने ये ठान लिया, तो ये विश्वविद्यालय ईंट से ईंट बच जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं, जब अकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होती है तो हमारा वाइस चांसलर वो किसी से डरे ना डरे महिलाओं से पहले हाथ जोड़ लेता है, पहले ही बहुत बढ़िया, वो इसलिए जोड़ लेता है कि कभी जो है कुछ बात ना हो जाए। और वो कहते हैं कि सुमन जी इनको कहो जरा ये बाहर आ जाए। मैंने कहा सर मैं कोई, आपने वो लगा लिया कि मैं आपको इनको कहूँ कि आप बाहर आ जाए, नहीं, जब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे तो इस बार अकेडमिक काउंसिल के अंदर जब जिस तरह से 4 दिन तक मैं बेल में रहा था, इस बार भी 4 दिन तक या चाहे 5 दिन हो जाए 6 दिन हो जाए बेल में रहूंगा इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। ये पहला मुद्दा ऐसा हमारा है जिसको सबसे ज्यादा कुठाराघात हुई है। अभी तो हमारे लोग आने वो शुरू हुए थे, नए नए पौधे जो एम फिल पीएचडी कर रही है, लंबे समय से कम 12 लाख हमारे छात्र जो है बाहर घूम रहे हैं, और ऐसा कुठाराघात डिपार्टमेंट वाइज, ये तो अभी टीचिंग पर है। आप लोग सोचिए अगर ये हमारे स्टूडेंट्स पर भी आ गया तो हमारा स्टूडेंट कभी नहीं आ पाएगा। क्यों? जो छोटे डिपार्टमेंट है, बंगाली है, पंजाबी है, एंथ्रो है, ये छोटे डिपार्टमेंट जहां 5 और 7 के एमए में होते हैं, एमकॉम में होते हैं, 5-5, 7-7 के, वहां हमारा विद्यार्थी भी नहीं आ पाएगा हायर एजुकेशन में। ये पहला अवसर है इन्होंने जो कुठाराघात किया कि पहले किस पे करो, टीचर पर, पहले कर्मचारियों पे किया इन्होंने, बैठे हुए हमारे भाई सबसे पुराने जो है, पहले उन्होंने कर्मचारियों पे कि क्योंकि कर्मचारी की पोस्ट क्या हो जाती थी, क्लब हो जाती थी, हर डिपार्टमेंट की पोस्ट क्लब हो जाती थी, एमटीएस क्लर्क की जितनी भी है, जब देखा कि कर्मचारियों में एकता नहीं है वहां उन्होंने थोप दिया। और अब दूसरा, अब हमारे ऊपर थोपा है कि नहीं, अब देखते हैं हम कैसे आप क्लब करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज बनाएंगे, जहां बंगाली जैसे जगह हमारी दोनों पोस्ट जो है वो एससी एसटी की थी, आज वो पोस्ट एससी एसटी की नहीं, दोनों जनरल हो जाएंगी। जहां 4 से कम डिपार्टमेंट है, 4 से कम डिपार्टमेंट में 3 के 3 कौन होंगे, सामान्य वर्ग के, एससी आएगा नहीं, ओबीसी आएगा चौथी पोस्ट पर। तो मित्रों ये बहुत जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और ये प्रचार प्रसार करना भी बहुत जरूरी है। आज का युग मीडिया का युग है, मीडिया के इस युग में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा काम करता है। मेरे पास सुबह जो है मैं किसी को जानता तक नहीं, डीएचओ से, इलाहाबाद से, त्रिपुरा से, कहां कहां से उन लोगों ने व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा बातचीत चल रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में यदि ऐसा चल रहा है तो हम लोग भी जो है वहां अपने यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये आपकी आवाज पूरे भारतवर्ष के अंदर गूंज रही है, और ये दिन दूर नहीं कि मैं कल ही, मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन यूजीसी में हमारे कई साथियों से बात हुई है, 1 या 2 सप्ताह लगेगा ये वापस होने वाला है, ये वापस होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो पत्र जो गया है 15 तारीख की भीड़ का, 15 तारीख की भीड़ जो है आपकी कम भीड़ नहीं थी, उस भीड़ में जो है सारे वाइस, सारे प्रिंसिपल, सारे जितने भी एमपीज है उनको हिला दिया है, 122 के 22 एमपी हिल गए आपके उसके 15 तारीख के प्रदर्शन से। और ये सब जल्दी ही इस पर जो है कोई ना कोई निर्णय होगा, और निर्णय होने में देर नहीं है, लेकिन आप अपनी एकता डेली यहां बनाए रखें, यहां जरूर आए। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, और जब मैं वापस आ जाऊंगा फिर यहीं बैठूंगा, कल भूखड़ताल पे बैठा था, आज भी जो है आपके साथ हूँ, आगे भी साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, 2-4 नारों के साथ मेरा साथ देंगे।